और बिला बिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाजीज कुकिंग। आज हम बना रहे हैं पास्ता। जैसे कि क्यों मैं आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वीकेंड है, वीकेंड पे बच्चे स्पेशली कोई ना कोई फरमाइश करते हैं। पास्ता मैंने पहले से बॉईल कर लिया है और चिकन को मैरिनेट कर लिया। इसमें ब्लैक पेपर थोड़ा डालना है, वाइट पेपर ज़्यादा डालना है और वर्स्टर्ड सॉस लगा के ये मैंने रख दिया था, पहले से मैरिनेट कर लिया था। इसकी मैरिनेशन भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और पास्ते को मैंने आपको बताया पहले से बॉईल करके और हल्का सा ऑयल लगा के इसको रख लेना है। और कुछ वेजिटेबल जाएंगी जिसमें है, चीज़ डालेंगे हम, चेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ भी डालूँगी, चेडर भी डालूँगी, आप पे डिपेंड करता है। मैं लाइट वाला यूज़ करती हूँ, लो फैट ये वाला दूसरा है, आप जो लेना चाहें ऑप्शनल है। सॉसेज भी बनाएंगे इसकी, वो भी बताऊँगी। ये बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च मैं बहुत थोड़ी क्वान्टिटी में डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते वेजिटेबल्स, मैं कम डालूँगी। आप लोगों को जितनी पसंद हो आप अपनी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किया हुआ है और अब हम थोड़े से ऑयल में पहले चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन थोड़ा सा जैसे फ्राई हो जाए तो उसके बाद गाजर, आजकल आपको पता है ऑरेंज कलर की, वो थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, इसलिए हम इसको चिकन के साथ ही डाल देंगे ताकि अच्छी तरह टेंडर हो जाए। और वेजिटेबल जो दूसरी हैं उनको हम ऐड करेंगे। इसको थोड़ा क्रंची ही हमने रखना है क्योंकि हमने इसको फुल डन नहीं करना। अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और इसकी सॉस भी मैंने पहले से बना ली, मैं आपको सारी उसकी चीज़ें लिखवा दूंगी सॉस की। और वो आधी सॉस हम इसमें ऐड करेंगे, आधी हम ऊपर से इसको पास्ते को जब डिश आउट करेंगे उस पर स्प्रिंकल करेंगे, सारा स्प्रेड करेंगे, फिर हम चीज़ डालेंगे, ओरिगेनो डालेंगे और माइक्रोवेव करेंगे। आप बेकिंग ओवन में भी कर सकती हैं, मेरे पास बेकिंग ओवन नहीं है। ये देखें सॉस है, इसमें मेयोनीज़ नहीं लेना है, इसमें क्रीमी मायो मिलता है वो लेना है। क्रीम लिए मैंने, दूध लिए, मैं मैदे वाली नहीं बनाती, वो बहुत स्टिकी कर देती है पास्ते को, मेरे बच्चे लाइक नहीं करते, मुझे खुद भी पर्सनली वो पसंद नहीं है। ये है मोज़रेला और चेडर दोनों लिए, इनको मैंने ग्रेट कर लिया। हाफ़ हम इस सॉस में डालेंगे, हाफ़ हम मैंने आपको जैसे बताया, ये देखिए थोड़ा सा दूध मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। क्रीम के अंदर दूध डालना है, क्रीमी मायो डालनी है और मैंने इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड भी डाली है, हनी मस्टर्ड भी डाली है, मुझे वो पसंद है, मुझे फ्लेवर अच्छा लगता है उसका। आधा चीज़ हम इसमें करेंगे ऐड, बाकी जो हम मैंने आपको बताया जब हम बेक करने लगेंगे तब हम डालेंगे। ये आधा इसमें मिक्स करेंगे और चूल्हे पे जो हमने माइक्रो ऊपर जो रखे हुए हैं पास्ता उसमें हम इसको ऐड करेंगे। आधी आधी सॉस में बचा लूँगी। और ये बाज़फ ऐसे होता है कि आप इसको रख लें, ये उसमें रोल पराठे में और बर्गर में, चीज़ बर्गर में बहुत काम आती है क्योंकि इस आज हम लोग बना रहे हैं चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। हम डालेंगे उसमें, मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसको, बहुत मज़े का लगता है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आपको पहले बताया कि जो सॉसेज हैं एक दफ़ा लें वो हर दफ़ा यूज़ हो जाती है, हर दफ़ा नई नहीं लानी पड़ती, कम से कम 2 से 3 माह गुजर जाते हैं। ये देखें जो बची हुई सॉस थी जो मैंने क्रीम और दूध के साथ बनाई थी और बाकी चीज़ें डाली थी, वो हम इसके ऊपर ऐसे सारा इसको स्प्रेड करेंगे, फिर हम चीज़ डालेंगे, ओरिगैनो डालेंगे। मेरे पास बेकिंग ओवन नहीं है, मैं माइक्रोवेव में करूँगी, 2 से 3 मिनट लगाऊँगी। और पतीले में भी आप बेक कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको पतीले में बेक करना सिखाऊंगी कि पास्ते को बना के पतीले में थोड़ी देर के लिए इसको बेक करना है। बेक का मतलब है हमने चीज़ मेल्ट करना है, अदरवाइज़ कोई ऐसी खास जरूरत नहीं। ऑलिव भी डालने हैं, ऑलिव मेरे पास अवेलेबल नहीं है, शिमला मिर्च, टमाटर, वो सब चीज़ें ऊपर डाल के फिर हम इसको बेक करेंगे। मेरे बच्चे लाइक नहीं करते वेजिटेबल, इसलिए मैंने ऊपर शिमला मिर्च और वो टमाटो नहीं डाला। इसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी चीज़ को, फिर मैं इसको फाइनल लुक दिखाऊँगी आपको। और वीकेंड पर तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है। ये देखिए मैंने चीज़ सारा साइड में से चीज़ इसका मेल्ट हो गया है, जितना मेरे माइक्रोवेव ने इसको बेक करना था वो कर लिया है इलेक्ट्रिकल माइक्रोवेव ने। और ये देखिए मैं आपको डाल के दिखाऊंगी प्लेट में, बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चे बड़े शौक से खाएँगे, बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद है चीज़ी पास्ता, वाइट चीज़ पास्ता, बहुत मज़े का बनेगा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि कौन सी चीज़ आपने मेरी बनाई हुई ट्राई की है, अगर आपको पसंद आए। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।